पढ़ते हैं अब कल आना है बजट 11 बजे और थोड़ा सा मार्केट उससे पहले नर्वस है हालांकि रिकवरी आई है शानदार इंटर में और मार्केट में एक वन वे रैली रही है अब प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार के पास चलते हैं जो इकानमी और स्टॉक मार्केट दोनों की काफ़ी गहरी समझ रखते हैं और इनके पास कैपिटल मार्केट में कई दशकों का अनुभव है टेक्स गुड मॉर्निंग पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आप स्टूडियो में आए हमारे इसके लिए इस मुंबई की इतनी भारी बारिश में तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैसा फील कर रहे हैं आप इस समय मार्केट uh, को लेकर बारिश को देखते हुए तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आई थिंक सर मानसून गर्म है आपका आज <laughs> थोड़ा सा नहीं आई थिंक ये मार्केट के जो ओवरऑल मूड है उस पर उसको मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा वार्म रखना अच्छा है आई <laughs> थिंक अगर आप देखोगे तो अ, एक बाय डिप्स जैसा रैली हुआ है ओवर द लास्ट सेवरल नाउ एंड ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं कि लाइक क्लाकवर्क एवरी टाइम थोड़ी यू uh, नो you know, थोड़ा भारी फॉल आता है तो बाइंग आ जाता Buying है. है मेरे हिसाब से उस वैसा एक ही ऑफ मूड चलेगा लेकिन आई थिंक इवन नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द मार्केट इन सर्टन पॉकेट्स जो uh, चल रहा था कि हर सेक्टर में ले लो रे, रेलवेज में ले लो डिफेंस में ले लो आई थिंक वो सब थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा मॉडरेशन होगा ऑल्सो एट द नेट लेवल जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड ऑन मंथ वो थोड़ा मतलब इट इज मॉडरेटेड इट इज नॉट की ग्रॉस फ्लोज आर हायर बट ग्रॉस बट्सोर सो एट आर मॉडरेटिंग द गुड न्यूज इज द दिन भी एक्सपेक्टेड कि वो आएंगे जो ओवरसीज एफ आई वो मतलब ऑन अ डेली बेसिस आ रहे हैं अभी तो मुझे ल, ये लग रहा है कि अगर कोई बड़ा फॉल आया तो इस टाइम फॉरिनर्स विल स्टेप इन टू बाई वाइल इंडियंस में कंटिन्यू टू डू इट बट आई थिंक द बिग बाइंगन फ्राम दी ओवर सीज एफ आई आई ओके अच्छा एक uh, का इस पर क्या व्यू है एक uh, डिबेट चल रही है वीकेंड पे भी uh, सेवी चेयरपर्सन ने इसकी बात की कि अब ये मैक्रो रिस्क बन गया आर बी गवर्नर भी कह रहे हैं कि डिपॉजिट्स बैंकों की जगह स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक शायद एक चर्चा आ रही है कि शायद एफ एन ओ पर थोड़ी लगाम लगे या थोड़ा सा कुछ हो आपका क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर हर कोई कंट्री में जहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में पैसा आया है yeah. वो बैंक डिपॉजिट्स के uh, मतलब द द काउंटर हैज बीन बैंक डिपॉजिट्स क्योंकि यू कॉन्ट क्रिएट मनी तो इट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया आई थिंक ये एक और चीज़ है बैंकिंग सेक्टर अगर आप एक ओवरऑल कंसेंसस ट्रेड देखो बैंकिंग सेक्टर हैज बीन द कंसेंसस ट्रेड डिपॉजिट्स आ रहे हैं डिपोजिट ग्रोथ हैज बीन दे क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट कंसेंसस ट्रेड जो इंडेक्स वेटेज में मेरे हिसाब से तीस पैंतीस परसेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लोगे तो ऑलमोस्ट थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है तो उस सेक्टर में मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट नेक्स्टेस आएंगे जैसे मैं बोल रहा था कि mm. जहां पर यह हुआ है कि इक्विटी मार्केट्स में एक स्ट्रक्चरल चेंज आया हो जैसे दो तीन साल पहले तीन परसेंट ऑफ इंडियन सेविंग्स वॉज इन द स्टॉक मार्केट्स अभी इट इज गॉन्ट अबाउट फोर एंड हाफ फाइव परसेंट जस्ट ओवर फाइव परसेंट इट हैज़ टू बी एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग विच इज दिस तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन में भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर दे रहा है कि बैंक डिपोज कि बैंकों को छोड़ के फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ के यू मे वांट टू गेट टू द रियल इकोनॉमी द मैनुफेक्चरिंग जहाँ कैपिक फॉर्मेशन है एंड वेयर कंपनीज आर एबल टू गेट मनी एंड रेज मनी क्वाइट ईजिली हर कोई जो आज डिलेवरेज कर रहा है वो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू ही कर रहा है इन द सेंस दो कंपनीज आर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन बैंक्स सो बैंकों में डिपॉजिट का चैलेंज है क्रेडिट का भी चैलेंज हो सकता है प्लस जहाँ पर क्रेडिट अग्रेसिवली बढ़ रहा है जैसे रिटेल में एस में वहाँ पर डिफॉल्ट के भी चांसेस बढ़ रहे हैं इफ़ यू सी द लेटेस्ट कॉमेंट्री कोटक एन अदर्स देव इंडिकेटेड कि देर आर चैलेंजेस ऑन द क्रेडिट साइड इन सर्टन पॉकेट्स तो मुझे लग रहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड दैट मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टू कैपिटल मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रादर दैन गो थ्रू द बैंकिंग स्पेस लेकिन मैं अनुज के प्रश्न को ही कंटिन्यू करूंगा देखिए हमने तो सर आपसे भी सीखा है अनुज ने सीखा है मैं, मैं था, था तारीख में स्पेकुलेशन ही हर चीज बन गई है हम अभी भी सी एजीआर वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं बड़े नाप तोड़ के आठ नौ दस ग्यारह परसेंट का करते हैं आज देखिए डेरिवेटिव्स में लोग बीस बीस पच्चीस परसेंट की बात करते हैं अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि जो नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल हैं लाइक आपके ब्रोकरेज कंपनियां हो गई आपके डिपॉजिट्स हो गए आपके, आपके एक्सचेंजेस हो गए क्या इन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर सरकार डेरिवेटिव्स को रेस्ट्रिक्ट करती है तो मुझे लगता है डेरिवेटिव्स पर अंकुश डालना बिल्कुल सही स्टेप है हुँ. कि इसको इन एनी केस जो

आई वुड इनफेक्ट बी व्यू देट देट वुड बी मोर हेल्दी स्टेप फॉर द मार्केट उसमें थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगा जिसमें आपको एक रीज़न देता हूँ अगर पचास लाख का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज कर दिया तो एक रिटेल शायद एक ढंग का स्टॉप लॉस भी ना लगा पाए सिस्टम में क्योंकि आप कोई भी स्टॉप लॉस रखेंगे लॉजिकल तो आपको बहुत रिस्क रहेगा कि ये ट्रिगर होगा तो मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा नहीं यू कैन स्टिल डू द टू लैक्स एंड फाइव लैक्सोइ्रो म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी फॉर टू लैक्स फाइव लैक्स एक्सेट्रा लेट द ट्रेडिंग लास्ट थ्री फोर ईयर्स जो भी मार्केट में आया है ही इज ओनली सीन अ तेजी का बाजार <laughs> बिल्कुल तो so, बिल्कुल मंदी का बाजार देखा नहीं है. बिल्कुल हाँ. अच्छा मैं ये बोलता हूँ कि अगर मंदी का बाजार भी हो जाए तो उनका क्वेश्चन ये की कब लेना चाहिए ना कि कोई ये आके हमसे पूछे कि क्या बेचना चाहिए हाँ. और उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए बिकॉज hmm. ये लोगों की फितरत में नहीं है उनकी जहन में तेजी का मूड ही है तो मैं मैं ये बोलता हूं तो तेजी का माहौल या तेजी का मूड जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू करो और जो आपको ट्रेडिंग मतलब जैसे आपको हेज करना हो गोइंग टू म्यूचुअल फंड ऑफर दो स्कीम्स बिल्कुल इस पे एक्चुअली एक पूरी डिबेट हो सकती है क्योंकि कई मतलब... लोग कहेंगे कि भा, भाई मेरा टैक्स दिया पैसा उसके बाद अगर मैं उसको एफ एन ओ में ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो क्यों नहीं क्योंकि मतलब एक तरफ लूडो भी 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 है, भी है, पोकर उसमें भी एक भी है। ड्रीम पोकर घर में ले जाओ ये जो एक इग्नोरेंस बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है एज आई कॉल इट आई थिंक इज डेंजरस बिल्कुल अल्टीमेटली क्या है देयर गेन्स आर कमिंग कौन ट्रेड करता है वही चढ़ता है जिसके पास पोर्टफोलियो हो तो अगर वो नहीं करता तो उसके पोर्टफोलियो रिटर्न वीन हायर hmm. वो पोर्टफोलियो से उसके रिटर्न कम हो रहे हैं और ट्रेडिंग में पैसा गवा रहा है क्योंकि जो सेबी के स्टेटिस्टिक्स हैं नाइन्टी परसेंट लूज मनी एट परसेंट ब्रेक इवन आफ्टर ऑल दिस एसटी डी का एक hmm. से डेढ़ परसेंट पैसा कमाना कमा सकते हैं वेदर इट इज ड्रीम इलेवन वेदर इट इज यू नो एनी अदर काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ स्पोर्ट बिकॉज मनी मेकिंग कैनॉट बी डेमोक्रेटाइज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टूल से सौ hmm. लोग ट्रेड करें और सौ लोग पैसा कमाएं वो तो हो ही नहीं सकता है so, इसमें ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर जो एक पर्सन बना रहे हैं वो बहुत पैसा बना रहे हैं और इवेंचुअली वो, वो तो जिंदगी का असूल है, वो तो असूल है।, हाँ, हाँ, है है वो तो चलिए भाई इस जैसे मैंने कहा इसके ऊपर तो काफी लंबी डिबेट हो सकती है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमने एक सेक्टर की बात कर ली बैंक्स की एक सेक्टर जहाँ बहुत शानदार कम बैक है हालाँकि वेप्टो ने थोड़ा मोड वापस खराब कर दिया वो है आई और अब कंसिडरिंग की एक यूएस में बहुत क्लोज इलेक्शन होने वाला है और रेट कट के हम काफी करीब हैं आईटी पर क्या यूएस में क्या मेरा सवाल ये कि क्या लाजकअप आई वापस उस पच्चीस तीस पी पे जा सकती है जो पोस्ट कोविड चली गई थी और जो वापस रियलिटी चेक में वापस नीचे आ गई थी जो उनका बिजनेस मॉडल आज के दिन है उस मॉडल में तो मेरे को नहीं लगता ये हो सकता है ओके इनफैक्ट उनका पी डी रेटिंग भी जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इनहेरेंटली ग्रोथ हैज कम डाउन टू लो सिंगल डिजिट्स नंबर वन नंबर टू वो पुरानी हिंदी में कहावत है कि चार दिन की चांदनी मैं उसके बाद फिर अंधेरी रात बोलूँगा नहीं बट चार दिन की चांदनी जो पच्चीस तीस पीस के टाइम थे वो चले गए क्योंकि जो ए का जो प्रभाव है आज के दिन बिजनेस मॉडल्स पे प्रॉफिटेबिलिटी पे नंबर ऑफ पीपल पे बहुत गहरा प्रभाव है जिसका अंदाज़ा भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही कर पा रहे हैं तो इस माहौल पे जब एक बहुत बड़ा हेडविंड हो अनलेस इंडियन कंपनीज़ अपने आप को इस तरीके से मतलब चेंज कर दें कि दे आर इं टू प्रोडक्ट एंड दे आर इन टू नो डराइव शुड एस एफरिंग्स मुझे नहीं लगता है कि वो पीस पे uh, uh, कर पाएंगी इवन इफ यू टेक द यू एस कंपनीज जो हम मैग्निफिस सिक्स या यू नो जो टॉप सेवन कंपनीज कहते हैं मोस्ट ऑफ द मा प्रोडक्ट एंड कैश रिच कंपनीज उनकी पीज नेट ऑफ कैश आर स्टिल इन द ट्वेंटीज इट इज़ नॉट एज दो दे आर गोइंग सो वैन दे आर डोमिनेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड गोइंग एट दैट हमारे सर्विसेज प्लेयर्स आई डोंट थिंक शुड अचीव दैट येस ओवरसोल्ड पोजिशन से बाउंस बैक हो सकता है आपका थोड़ा सेंटिमेंट चेंज हो सकता है बट एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट वापस पच्चीस पी में मेरे को नहीं लगता है hmm. एक और स्पेस मैं आऊँगा पेंट्स पे hmm. ये एक और ऐसा स्पेस सेक्टर जो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है गुजर रहा है नए प्लेय पेंट्स पे आपका व्यू क्या है hmm. इस बार एशियन पेंट्स ने थोड़े प्राइस हाइक लिए सब्सटेंशियल नहीं थे बट ये प्राइस हाइक एग्जैक्टली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और आप इस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं उस कभी कभी वो बोलते हैं कि कि नेवर जज अ बुक बुक बाय द कवर यानी पहला पेज पढ़ के कंक्लूड करो बट पहली बार मैं देख रहा हूँ मेरे पैंतीस चालीस साल मार्केट के तजुर्बे में जब मैंने एशियन पेज जैसे डोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर को देखा है कि दो परसेंट टर्न ग्रोथ आई मीन I mean, डी ग्रोथ पे पच्चीस परसेंट निबिडा घट जाना बिल्कुल आई थिंक ये बहुत कुछ बताता है और इस ये जो मूवी का जो है संक्षिप्त में अगर आप सुनना चाहते हो तो यही है कि कोई भी डोमिनेंट प्लेयर अगर दो परसेंट ग्रोथ hmm. लोअर पे पच्चीस परसेंट निबिडा खो सकता है इट मीन्स देर आर प्रॉब्लम्स इसमें नए प्रॉब्लम प्लेयर्स का प्रॉब्लम है पेंट्स इंडस्ट्री इट सेक्यूलर ग्रोथ बट ओवर एंड विद कॉम्पिटिशन इन देर इज बड़ा कंपटीशन आया जो एक बहुत बड़े बिल्कुल वही है अच्छा गाड़ी जब वैसे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शायद के मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें